या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माश्यत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापह, निःशेष जाड्यापह, श्री सरस्वती नमः। नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं वसंत पंचमी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार वसंत पंचमी 16 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन में वसंत ऋतु का आगमन भी होता है। इस पर्व को प्रकृति का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व माना जाता है। इसके साथ ही ज्ञान और स्वर्ग की देवी माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी, इसलिए यह दिन विद्यार्थियों के लिए, कला संगीत के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है और व्यक्ति को ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह दिन विद्या आरंभ के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर क्या शुभ योग बन रहे हैं और किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी पर दो विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। वसंत पंचमी पर पूरे दिन रवि योग रहेगा, जिससे इस पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस बार बसंत पंचमी पर रेवती नक्षत्र रहेगा, इसे बुध का नक्षत्र भी माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, चातुर्य और वाक्यपटुता यानी वाणी का कारक माना गया है। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तिथि के अनुरूप कि बसंत पंचमी तिथि और उनके शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी की जो पंचमी तिथि है वह 16 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 3:36 से प्रारंभ होगी एवं 17 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 5:46 तक रहेगी। सरस्वती पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वह 16 फरवरी प्रातः 6:59 से प्रारंभ होकर के मध्यान्ह दोपहर में 12:35 तक रहेगा। और अब बात करते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी पर प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और वस्त्रों में पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर आसन बिछा करके माँ सरस्वती की प्रतिमा या किसी तस्वीर को, मूर्ति को स्थापित करें और माँ सरस्वती का तिलक करें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, पीले पुष्पों से माँ सरस्वती का पूजन करें, तत्पश्चात माँ सरस्वती को मिष्ठान का भोग लगाएं। इस दिन पढ़ाई के जो संबंधित सामग्री है, जैसे कॉपी किताब, कोई भी पुस्तक आदि, और जो भी अगर कोई संगीत कला का ज्ञान करना चाहता है या संगीत कला के संबंध में अगर उसके पास कोई वाद्य यंत्र है तो उस वाद्य यंत्र को भी भगवती सरस्वती के चरणों में समर्पित करें। और इसके बाद पूजा संपन्न करें और माँ भगवती के जो मंत्र है उसका जप भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती
देवी नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवती के चरणों में प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमारी दुर्बुद्धि का विनाश करके सद्बुद्धि को प्रदान करें, ज्ञान की रक्षा करें, ज्ञान की वृद्धि करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सरस्वती माँ का विशेष पूजन करना चाहिए। ये सरस्वती भगवती का जो पूजन विधि कथा आदि मैंने आपको बताई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवती सरस्वती सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। नमस्कार।